दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई विरार मनपा स्वच्छता को लेकर हुई गंभीर। इंडस्ट्रियल वेस्ट सड़क पर फेंकने वाली कंपनी को लगाया हजारों का जुर्माना। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर कचरों का ढेर एवं गंदगी का अंबार लगे होने की शिकायतें हमेशा आती रहती है। कुछ हद तक इस मामले में मनपा स्वच्छता विभाग को जिम्मेदार माना जा सकता है, लेकिन मनपा स्वच्छता विभाग से कहीं ज़्यादा इस गंदगी के लिए हम आम आदमी जिम्मेदार हैं, जो अपने आसपास का कचरा जैसे तैसे यहाँ वहाँ डाल देते हैं। एक बार किसी खाली पड़ी जगह पर कचरा डालने की शुरुआत होने के बाद धीमे धीमे वह स्थान बड़े कचरे का ढेर बनते चला जाता है, जिसके बाद हम मनपा को जिम्मेदार ठहराते हैं। वसई विरार मनपा क्षेत्र बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप किए जाने की व्यवस्था ज़्यादातर कंपनी में है ही नहीं, जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसका असर सफाई व्यवस्था पर तो पड़ता है ही, वहीं नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण विभाग द्वारा इन कंपनी से निकलने वाले कचरे को व्यवस्थित डंप किए जाने हेतु कई नियम व कानून कायदे भी तय किए हुए हैं। इसके बावजूद वसई विरार की यह कंपनी अपना घन कचरा, रैबिट, औद्योगिक कचरा, घातक कचरा जैसे तैसे वाहतुक करके खुले स्थान पर फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिस पर अब मनपा सख्त हो गई है एवं इन कचरा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही अंजाम दे रही है। ऐसा ही एक मामला 30 सितंबर को वसई वाली प्रभाग के दुमान नगर शमशान भूमि वाले रास्ते पर देखने में आया, जहां एक ट्रैक्टर से कचरा फेंके जाने के समय मनपा के तैनात मार्शल की सूचना पर वाली प्रभाग में स्वच्छता विभाग के अधिकारी सुखदेव दरवेशी ने ग्राउंड पर पहुंचकर ट्रैक्टर चालक को कचरा डालते हुए रंगे हाथों पकड़ने के बाद 25,000 रुपया जुर्माना लगाया। आपको बता दें, सुखदेव दरवेशी जो कि डेंसिंग ऑफिसर माने जाते हैं, इन्होंने अलग अलग कंपनी पर अब तक कुल 59,000 रुपये का जुर्माना लगा चुके हैं। कोरोना काल में भी मास्क नहीं होने पर मनपा द्वारा वसूले जाने वाले जुर्माने के तहत सुखदेव दरवेशी ने सभी 9 प्रभागों में सबसे ज़्यादा 7 लाख से अधिक के जुर्माने की वसूली 3 से 4 महीनों में की थी, जिसमें कई बड़ी कंपनियों को भी उनके यहाँ कोरोना नियम नहीं पाले जाने के चलते जुर्माना लगाया था। हमने वालियों के स्वच्छता अधिकारी सुखदेव दरवेशी से फ़ोन पर बातचीत करते हुए उनके द्वारा लगाए गए जुर्माने के बारे में जानकारी मांगी, तो क्या कुछ कहा सुखदेव दरवेशी ने, सुनिए इस वीडियो में आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार दरवेशी सर। नमस्कार, बोलिए। सर, यूसुफ अली बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए, नमस्कार सर। कल आपने कार्यवाही करते हुए जो कचरा लोग फेंकते हैं उनके ऊपर 25,000 रुपये का शुल्क लगाया था, दंड लगाया था दुमान नगर में, तो ये किस तरह की कार्यवाही थी बताएंगे सर? नहीं, बेसिकली हमारे कमिश्नर साहब ने मतलब हमेशा ही स्वच्छ भारत के तहत हमें अच्छा काम करने के लिए मौका दिया है, और उसके तहत 15 दिन से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें टोटल मैंने वाली प्रभाग में 59,000 का जुर्माना, मैंने 4 अलग अलग व्यावसायिक और वाहन चालक है उनसे मैंने वसूल किया है। उसमें बेसिकली वाली एरिया में इंडस्ट्रियल एरियाज है, वाली में सातीवली गोखुरे जो एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज के मैंने बहुत बार मैंने मीटिंग्स भी लिया है कि आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो आपको तोड़ेजा में लेके वहाँ पर उसका डिस्पोज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज है उनका कचरा ये रात को जब मतलब पालिका के वर्कर्स नहीं रहते तब उस समय में ये कुछ कुछ ठेकेदार है डंपर के, ट्रैक्टर्स के, वो लोग उस इंडस्ट्रीज से तो कचरा उठा के हमारे जितने भी मेन रोड्स है मतलब राइट फ्रॉम कामन में है, चिंचोटी है, सुष्णोघर है, आपने देखा होगा, वालियू रोड है, सातवली रोड है, ये जो हम रास्ता है नेशनल हाईवे वहां पर डालते। और ये जो कल जो कार्रवाई हुआ वो धुमाल नगर शमशान भूमि है, वो भी अटैच टू हाईवे है, वहां पर हमारे क्लीनअप मार्शल ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि वहां पर एक ट्रैक्टर मौजूद है और वो ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट और रैबिट है वो खाली करने वाला है। तो मैंने उनको बताया कि आप इमीडिएट रुको वहां पे, मैं आ रहा हूँ, और रेड हैंड पकड़ा। फिर वो 25,000 का हमने रोक वसूल किया और उसको पावती भी दी है, और ये लगातार कार्रवाई हमारी अभी चलती रहेगी। सर, ये विशेष कोई कंपनी है या सभी कंपनी इस तरह से करती है, ऐसा कुछ आपकी जानकारी में क्या सर? वहां पर अभी सीसीटीवी तो है ही नहीं, लेकिन सीसीटीवी लगाने चाहिए इधर महानगर पालिका या तो पुलिस डिपार्टमेंट से, तो एक्चुअल हमको मालूम पड़ सकता है कि ये कौन डाल रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज है।
सर आगे भी इस तरह के ड्राइव होते रहेंगे और क्या समझे, एक्चुअली जो आपने ये कार्रवाई की है तो सराहनीय है, लेकिन एक चीज है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो नालों में जाता है जो केमिकल्स, उसको लेके क्या महानगर पालिका की आगे की कार्यवाही होगी किस तरह से? उसमें वाटर पोल्यूशन एक्ट जो है वो एनपीसीबी उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अभी फिलहाल मैं लास्ट ईयर में भी मैंने सर्वे कराया था और सातिवली और वालू की जो नदियां है, पहले की नदियां थी अभी नाला बन गई, वहां पर जो अटैच जो केमिकल फैक्ट्रीज है, मतलब जो भी लिक्विड उसमें छोड़ा है उन्होंने, तो उसका मैंने सर्वे किया है। वो सर्वे रिपोर्ट मैं पूरा कमिश्नर साहब को भी दूंगा और मेरे जो सीनियर ऑफिसर है, और एमपीसीबी को उसका एक पूरा लिस्ट हम भेजेंगे, एमपीसीबी उनके कायदे से उन पे कार्रवाई करेगी। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद आगे भी पब्लिक को रहती रहेगी, जनता को। और ये इसके अलावा आप एक आखिरी ये कि कुछ आह्वान पब्लिक को करना चाहेंगे? नहीं, जरूर, क्योंकि ये अपना शहर है। देखिए, एज असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर अपने शहर को हमने 2016-17 में टॉप किया था पूरे देश में, तो वो उसको हमको बरकरार रखना चाहिए। वैसे विरार बहुत अच्छा शहर है, ग्रीन एरिया है, उसको साफ सुथरा और हरियाली से भरपूर रखना, ये हम सभी मतलब प्रशासन का है, शासन का है, पूरे नागरिक, व्यापारी, दुकानदार, सभी आप लोगों ने जो जनजागृति की है उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी का ये काम है, हमारा शहर अच्छा हम लोग रख सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद। ओके ओके, शुक्रिया। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।